हेलो फर्स्ट क्लास, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। बच्चों आज आपका मैथ्स का टर्न है, तो निकालिए अपनी मैथ्स की बुक। बच्चों मैथ्स की बुक में आज आप पेज नंबर 33 पर आइए। बच्चों पेज नंबर 33 पर है काउंटिंग इन टेंस। बच्चों देखिए यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है पेंसिल की, ये पेंसिल का बंडल है। बच्चों ये पूरी 10 पेंसिल्स हैं इसके अंदर, एक बंडल में कितनी पेंसिल है 10। तो बच्चों 1 10 10, ठीक है बच्चों। ऐसे ही यहाँ पे 2 बंडल है तो 2 10 20, ठीक है बच्चों। ऐसे ही यहाँ पर 3 बंडल है 10 10 और 10s, तो यहाँ पर 3 10s 3 10s का मीन्स होता है बच्चों 30, ठीक है बच्चों। आया आपको समझ 30 30? ये आपको नंबर्स में भी लिखना है और आपको नंबर्स में भी लिखना है और आपको नंबर नेम्स में भी लिखना है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब आते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। बच्चों पेज नंबर 34 पर आइए। पेज नंबर 34 पर है आपका प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। बच्चों प्लेस वैल्यू क्या होती है देखिए, इसमें प्लेस वैल्यू वो डिजिट होती है, जैसे ये है 68 दिया हुआ है बच्चों, जो इसका पीछे का नंबर है वो बच्चों जीरो बनता चला जाएगा। जैसे यहाँ पे 6 है तो 6 के पीछे एक डिजिट है, 1 डिजिट है ना, तो 1 डिजिट 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 60, ठीक है बच्चों। और ऐसे ही यहाँ पर 8 दिया हुआ है तो 8 के पीछे कोई डिजिट नहीं है, तो 8 को हम लिखेंगे सिंगल ही, केवल 8 ही लिखेंगे, ठीक है बच्चों। आया आपको समझ। ऐसे ही ये नेक्स्ट होगा, इसमें भी ऐसे ही होगा। बच्चों 7 है, 7 के पीछे 1 डिजिट दी हुई है तो हम पीछे 10 लगाएंगे, और ऊपर यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो 2 के पीछे कोई डिजिट नहीं है तो 2 को हम सिंगल ही लिखेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका 72। आया आपको प्लेस वैल्यू। अब आती है बच्चों आपकी, यहाँ पर भी प्लेस वैल्यू दी हुई है आपकी। बच्चों यहाँ पे प्लेस वैल्यू दी हुई है वो आपको नंबर में लिखनी है। जैसे 5 दिया हुआ है तो ये 5 यहाँ पे आएगा, और देखो 30 दिया हुआ है तो 30 में 3 हम पहले लिखेंगे और फिर 5 बाद में लिखेंगे। तो आया आपको, ये हो गई आपकी प्लेस वैल्यू। बच्चों अब आती है आपकी फेस वैल्यू। बच्चों फेस वैल्यू क्या होती है, राइट द फेस वैल्यू ऑफ द पिंक डिजिट। बच्चों पिंक डिजिट का जो नंबर है वो फेस वैल्यू है। जैसे यहाँ पे 2 दिया हुआ है और यहाँ पे 4, तो पहले यहाँ पे 2 लिखेंगे, ऐसे ही इसमें यहाँ पर 5 लिखेंगे, यहाँ पे 4 है पिंक डिजिट तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। आया आपको समझ। और अगर ये प्लेस वैल्यू होती यहाँ पर तो हम 4040 लिखते, ठीक है बच्चों। अगर यहाँ पर फेस वैल्यू देनी है हमें तो फेस वैल्यू सिंगल ही लिखेंगे। तो बच्चों अब आते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। तो बच्चों पेज नंबर 35 पर आइए। पेज नंबर 35 पर दिया है यहाँ पर काउंट नंबर्स एंड टेंस बाय टेंस एंड वंस, ठीक है बच्चों। देखिए ये 10 पेंसिल्स का बंडल है, 10 10 10 और 10। बच्चों 4 times 10 दिए हुए हैं तो कितने हो गए 4 10s का मीन्स क्या होता है बच्चों 40, एंड 2 more are 42। बच्चों यहाँ पे 2 दिए हुए हैं, 2 पेंसिल्स दी हुई हैं, तो इनको हम इसमें प्लस कर देंगे तो यहाँ पे हो गया 4 10s और +2 तो 42। आया बच्चों आपको समझ में। ये एक्सरसाइज आपको खुद करनी है, बुक में भी करनी है बच्चों ये, और आपको अपनी नोटबुक में भी इसका रिवीजन करना है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आते हैं अब हम नेक्स्ट पेज पर। बच्चों पेज नंबर 36 पर आइए। पेज नंबर 36 पर भी आपको ऐसे ही पेंसिल का बंडल दिया हुआ है, 10 10 10 और 10। बच्चों यहाँ पे हो गए 4 10s एंड 2 पेंसिल्स हो गई है, पर यहाँ पर 2 1s तो 42, 4 0 40 और +2 तो कितने हो गए बच्चों 42। ऐसे ही बच्चों ये एक्सरसाइज आपको पूरी फिल करनी है, कंप्लीट करनी है। तो बच्चों अब आते हैं हम पेज नंबर 37 पर। बच्चों पेज नंबर 37 पर आपकी दी हुई है, देखो पेंसिल का 1 बंडल दिया हुआ है तो ये 1 बंडल में कितनी पेंसिल होती है 10, तो 1 10 1 10 is 10 once। ऐसे ही यहाँ पर 2 बंडल दिए हुए हैं तो 2 10s का मीन्स क्या होता है 20 once, ठीक है बच्चों। ऐसे ही यहाँ पर 3 बंडल दिए हुए हैं तो 3 10s 30 once। आ गया बच्चों समझ में। ऐसे ही यहाँ पर दिया हुआ है फिल इन द एम्प्टी बॉक्स, 1 has been done for you। बच्चों देखिए यहाँ पे 10 पेंसिल्स का बंडल दिया हुआ है 1, और यहाँ पर 1 पेंसिल दी हुई है तो इनको हम प्लस कर देंगे, कितने हो गए बच्चों 10 और 1 11, ठीक है बच्चों। ऐसे ही यहाँ पे
11 हो गया है, तो 1 10 एंड 1 1, तो कितना हो गया बच्चों 11। ऐसे ही यहाँ पर 10 पेंसिल्स का बंडल दिया हुआ है और यहाँ पर 2 पेंसिल्स दी हुई हैं, तो 10 और प्लस 2 कितने हो गए हमारे 12, तो 1 10s एंड 2 1s। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम नेक्स्ट पर, 27 दिया हुआ है बच्चों यहाँ पर, 27 का कितना होता है 2 10s एंड 7 1s। 30 दिया हुआ है यहाँ पर, तो 3 10s एंड 0 1s। 15 दिया हुआ है यहाँ पर, 1 10s एंड 5 1s। तो बच्चों अब आते हैं हम नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर, बच्चों पेज नंबर 38 निकालिए। पेज नंबर 38 पर है हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म। बच्चों जब हम किसी भी चीज को फुल फॉर्म में लिखते हैं या उसको किसी भी वर्ड को हम खोल के लिखते हैं एकदम, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म। देखिए यहाँ पर 16 दिया हुआ है, तो 1 10 प्लस 6 1s। ठीक है बच्चों, ऐसे ही यहाँ पर 10 दिया हुआ है, तो 1 10s प्लस 0 1s। 26 दिया हुआ है यहाँ पर, 2 10s प्लस 6 1s। आया बच्चों आपको समझ में? ये आपको पूरी एक्सरसाइज खुद फिल करनी है बच्चों। अब आते हैं हम नेक्स्ट पेज पर, बच्चों पेज नंबर 39 निकालिए। पेज नंबर 39 पर है आपका, देखो 2 पेंसिल्स के बंडल दिए हुए हैं, तो 20 प्लस 10 30 और प्लस 1, तो यहाँ पर हो गए 3 10s 1 1 और 31। ठीक है बच्चों, ऐसे ही यहाँ पर 3 पेंसिल्स के बंडल तो ये हो गए और 10 ये हो गए, तो कितने हो गए 40 और प्लस 2, तो यहाँ पर आएगा 40 10s प्लस 2 1s, तो 42। आया बच्चों, ये भी एक्सरसाइज आपको खुद कंप्लीट करनी है। ये बच्चों पेज नंबर 40 पर आइए। पेज नंबर 40 पर दिया हुआ है आपका एक्सपेंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म। बच्चों एक्सपेंडेड फॉर्म कैसी होती है, जैसे यहाँ पर 10 बंडल्स दिए हुए हैं पेंसिल के, 10 प्लस 10 प्लस 10, तो बच्चों कितने और प्लस 3, तो कितने हो गए 33। तो यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको, 30 10s प्लस 3 1s। आया आपको समझ? ऐसे यहाँ पर 10 प्लस 10 और प्लस 1 दिया हुआ है, तो 20 10s और प्लस 1, ये हो गई हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म में, और यहाँ पर लिखेंगे हम शॉर्ट फॉर्म में 21। तो बच्चों अब आते हैं हम नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 41 निकालिए। पेज नंबर 41 पर दिया हुआ है मैचिंग बाय करेक्ट ग्रुपिंग। बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है 61, 61 की मैचिंग हम किससे करेंगे, यहाँ पर 6 10s एंड 1 1s, तो यहाँ पर हो गया हमारा 61। ऐसे ही यहाँ पर 32 दिया हुआ है, 3 10s एंड 2 1s, तो यहाँ पर हो गया हमारा 32। आया आपको समझ बच्चों? तो बच्चों आज का वर्क आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।